हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोना। मेरे चैनल मोना वैदिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अगर पसंद आए तो। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर आई हूँ, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अनबॉक्सिंग का वीडियो। तो अनबॉक्सिंग का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग का वीडियो। तो मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट से कुछ परचेसिंग की है, किचन के लिए कुछ सामान मंगाया है। देखिए, फ्लिपकार्ट से मैंने परचेसिंग की है, और अभी हम इस पैकेट को खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसमें है तो किचन का सामान, बट अभी आप हम देखते हैं कि इसमें है क्या। तो सबसे पहले इसे सीजर से खोलेंगे, तो इसे ओपन करती हूँ मैं। तो ये देखिए, ओपन हो गया है, और ये देखिए इसके अंदर से क्या निकला है। आप देखिए, इसमें से निकला है मेजरिंग कप। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। इसमें मेजरिंग कप के सेट हैं, और आप तो जानते हैं मेजरिंग कप कितना काम आता है कुकिंग में। तो मैंने, मेरे पास पहले से भी मेजरिंग कप है, और ये मैंने अभी और मंगाए मेजरिंग कप ताकि मैं इजीली इसे यूज़ कर सकूँ। कुकिंग में बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं, और मेजरमेंट भी सही होना चाहिए कुकिंग के लिए, केक वगैरह के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि हम इस कप से कर सकते हैं। क्योंकि सही मेजरमेंट जब हम करते हैं तो हमारी डिश भी बहुत अच्छी बनती है। तो इसलिए अगर आपको भी ये अच्छा लगे तो आप भी ज़रूर इसे परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसे परचेसिंग कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह के इसमें मेजरिंग कप आए हैं, और ये बहुत ही यूज़फुल है कुकिंग के लिए, किचन के लिए। तो ये देखिए, मैं बताती हूँ इसमें, ये देखिए 1/4 कप जो हम लेते हैं उसका मेज़रमेंट का है। केक वगैरह जब बनाते हैं हमें बहुत मेजरिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो ये 1/4 कप है। तो और ये देखिए, यहाँ पे 1/2 कप है, ये 1/2 कप का जो रहता है ये वो है 1/2 कप। और यहाँ पे देखिए, ये 2/3 है, 2/3, 2/3 कप है। 2/3 जब हमें लेना है तब हम इसे मेजरिंग करके लेंगे, और ये है 1 कप। तो इस तरह से हमें बहुत आसान हो जाता है किसी भी रेसिपी को बनाना, उसका अंदाज करना कि हमें किस में कितना डालना है। मान लीजिए कि 1 कप मिल्क है, उसमें 1/4 कप हमें ऑयल डालना है केक वगैरह के लिए। तो ये बहुत ही ईजिली होता है, इसे आप ज़रूर मंगा सकते हैं किचन के लिए। और बाकी टाइम आप मेजरिंग के अलावा और भी चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी शक्कर वगैरह में डाल दिए, दाल चावल निकालने के लिए भी यूज़ होता है, आटा निकालने के लिए भी यूज़ होता है। नॉर्मल, ज़रूरी नहीं कि मेजरिंग ही करना है। जब आपको मेजरिंग करना है तब आप इसे मेजरिंग करिए, जब आपको मेजरिंग नहीं करना है तब इसे नॉर्मल आप एक एक बॉक्स में डाल दीजिए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, दाल वगैरह निकालना है, चावल वगैरह निकालना है तो हाथ घुसाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हैंडल्स रहते हैं इनमें, तो मैं उसमें यूज़ कर लेती हूँ। चलिए, अब इसमें और भी स्पून्स आई है, वो तो कप थे, अब इसमें स्पून्स है, तो हम इसे भी ओपन कर लेते हैं। तो ये बहुत ही पसंद आया मुझे। तो ये देखिए, पहले हमने कप्स खोले थे, और ये इसमें स्पून्स है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, सबसे छोटा वाला स्पून। और ये देखिए, 1/8 लिखा है, टी स्पून लिखा है, देखिए 1/8 टी स्पून, एकदम छोटू सा है। ये बेकिंग पाउडर जो हम डालते हैं ना, बेकिंग सोडा, उसके लिए यूज़ होता है। और ये देखिए, ये 1/4 टीस्पून है, 1/4 चम्मच जब हम बोलते हैं, 1/4 चम्मच ये उसका है। और ये है 1/2 टीस्पून, मतलब आधा चम्मच टीस्पून है। और ये है 1 टीस्पून, मतलब 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच, टीस्पून मतलब छोटा चम्मच। और ये देखिए, यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून है, टेबल स्पून मतलब बड़ी चम्मच, जो बिग चम्मच होती है जब हम बोलते हैं ना, ऑयल वगैरह डालते हैं, आपको 1 टेबल स्पून 1/2 टेबल स्पून डालना है ऑयल, तो ये 1/2 टेबल स्पून है, वो टीस्पून थी, ये टेबल स्पून है। और ये 1 टेबल स्पून बड़ा वाला सबसे। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे स्पून्स दिए हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अगर आप भी इसे परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक डाल दूँगी। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगाया है, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी। और ये देखिए कप्स हमारे, और इसमें जो ये लॉक दिया है ये बहुत ही अच्छा है, इससे हमारे सारे कप्स और स्पून हम एक जगह ही टांग सकते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग रखना नहीं पड़ेगा। देखिए साइड से भी मेजरिंग, इसमें 16 टेबल स्पून अगर आप, और यहाँ पे 8 टेबल स्पून लिखा हुआ है, और यहाँ पे 4 टेबल स्पून, जो बड़ा वाला टेबल स्पून में भी आपको इसमें मेजरिंग दिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया है,
इसमें भी देखिए साइड से भी लिखा है, इसमें भी लिखा है 5.5 टेबल स्पून और 10.5 टेबल स्पून, और इसमें है 4 टेबल स्पून और 8 टेबल स्पून ऊपर है। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए। और ये देखिए इसमें भी लिखा है 2 टेबल स्पून लिखा है और ऊपर लिखा है 4 टेबल स्पून। तो ये बहुत ही अच्छा